स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यदङ्गदा सुसे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत्सत् सत्यमङ्गिरः तवेतत्सत्यमङ्गिरः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सम्मान्य स्वामीजी महाराज, मुनिगण, मातृशक्ति, ब्रह्मचारीगण, धर्म प्रेमी सज्जनों, आचार्य महानुभाव, महर्षि दयानंद जी ने अपने जीवन में वेद के प्रति जो लगाव दिखाया है और जो हमें ऋषि दयानंद जी का वेद के प्रति लगाव दिखता है, ऐसा अनुराग, ऐसी श्रद्धा, निष्ठा अन्य बाद के महापुरुषों की दिखाई नहीं देती। महर्षि दयानंद जी ने ही सबसे बड़ी घोषणा यही की, सभी शास्त्र एक ओर और एक तरफ वेद, यदि सभी शास्त्र मिलकर के वेद के विपरीत कोई बात कह रहे हैं तो उस बात को स्वीकार नहीं करना। चौथे समुल्लास में पूर्व पक्षी ने दो श्लोक बनाकर के रखे तो ऋषि दयानंद जी ने उन श्लोकों का खंडन कर दिया। खंडन किया तो पूर्व पक्षी कहता है कि आप कैसे आदमी हैं, ऋषियों की बात भी नहीं मानते। ये पाराशर ऋषि के श्लोक हैं। उस समय महर्षि दयानंद जी उत्तर देते हैं कि भले ही पाराशर ऋषि के श्लोक हों अथवा अन्य ऋषि के श्लोक हों, यदि वेद के विरुद्ध है तो हम ऋषियों की बात को भी स्वीकार नहीं करेंगे। और स्पष्टीकरण करते हैं कि ये श्लोक तो पाराशर ऋषि के भी नहीं हैं, प्रायः ऋषि लोग जो होते हैं, ऋषि वेद के विपरीत बहुत ऐसी दिखेगी हमें कोई बात रखते नहीं हैं। अल्पज्ञता के कारण यदि कोई बात आ भी जाती है तो ऋषि दयानंद जी कह रहे हैं कि उस बात को स्वीकार नहीं करना चाहिए। अर्थात वेद को सर्वोपरि लेकर के चल रहे हैं और एक बड़ी बात कही कि वेद स्वतः प्रमाण हैं। वेद को प्रमाणित करने के लिए अन्य किसी शास्त्र की, किसी ऋषि की, किसी ग्रंथ की आवश्यकता नहीं है। जैसे सूर्य को हम देखना चाहते हैं तो सूर्य अपने आप दिख जाता है, उसको दिखाने के लिए अलग से कोई दीपक नहीं जलाना पड़ता, कोई अन्य लाइट नहीं जलानी पड़ती, सूर्य तो स्वतः ही प्रकाशित है, अपने आप दिखाई दे जाता है। ऐसे ही वेद भी स्वतः प्रमाण हैं, अन्य ग्रंथ परतः प्रमाण महर्षि दयानंद जी ने कहे हैं। चार वेद और चारों वेदों में चौथा वेद जिसका नाम अथर्व वेद रखा। अथर्व वेद अर्थात अथर्व कहते हैं जो कांपता नहीं है, जो स्थिर रहता है, थर्व कंपने। थर्व कहते हैं कांपने वाले को और अथर्व कहते हैं जो कांपता नहीं है, अर्थात जिस व्यक्ति ने अथर्व वेद पर्यंत अध्ययन कर लिया है, उसका उपदेश साक्षात कर लिया है, वो व्यक्ति जीवन में कभी कंपायमान नहीं होता। अथर्व वेद के मंत्र को देख रहे थे, स्वधया परिहिता, श्रद्धया परियूढ़ा, दीक्षया गुप्ता, यज्ञे प्रतिष्ठिता, लोको निधनम। पांच छोटे छोटे वाक्य हैं इस वेद के मंत्र में और ये छोटे छोटे वाक्य हमारे जीवन का विस्तार करने के लिए बहुत पर्याप्त दिखाई देते हैं।
श्रद्धया परियूढ़ा, हम श्रद्धा के ऊपर आरूढ़ हो जाएं, जब किसी व्यक्ति के प्रति हमारी श्रद्धा बनती है, जब श्रद्धा बनती है तो हम इतने श्रद्धावान हो जाते हैं कि उस व्यक्ति की कोई दूसरे व्यक्ति से बुराई नहीं सुनना चाहेंगे, हम उसकी कमी नहीं सुनना चाहते। यदि हम महर्षि दयानंद जी के प्रति श्रद्धावान हैं, श्रद्धावान हैं, और वास्तव में यदि कोई कमी है और उस कमी को यदि हमें कोई बताने लग जाता है तो ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर चोट पड़ रही है। हम इतने श्रद्धावान हो जाएं, वो जो श्रद्धा का अतिरेक होता है वहां कहीं ना कहीं हमारे अंदर अंधश्रद्धा आ जाती है। जो यथार्थ है, ऋषि दयानंद जी ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में इस मंत्र का अर्थ किया है, संस्कार विधि में भी किया है, वहां सत्य को तौल करके ही बात करनी है, सत्य को तौल करके ही स्वीकार करना है। इससे अतिरिक्त यदि स्वीकार करने लगेंगे तो श्रद्धा न होकर के अंधश्रद्धा हो जाएगी। हम आर्य लोग इस अजमेर स्थान को, टंकारा स्थान को, मथुरा गुरु विरजानंद जी की कुटिया को ये कह बैठते हैं कि ये तो आर्यों का तीर्थ है। आर्यों का तीर्थ है, और आर्यों का तीर्थ कौन सा होगा? यही तो आर्यों के तीर्थ हैं। क्या इस बात की अंदर पौराणिकता का पुट नहीं है? जैसे पौराणिक लोग अपने गुरु विशेष की, अपने व्यक्ति विशेष की, अपने किसी और की स्थान विशेष को इतना महत्व दे देते हैं, इतना महत्व दे देते हैं कि वो व्यक्ति गौण हो जाता है, स्थान मुख्य हो जाता है। ऋषि दयानंद जी के तीर्थ पढ़ करके तो देखें कि महर्षि दयानंद जी तीर्थ कहते किसको हैं। ऋषि दयानंद जी ने इस प्रकार के एक भी स्थान को तीर्थ नहीं कहा है। विद्या का अभ्यास करना तीर्थ है, ब्रह्मचर्य का पालन करना तीर्थ है, विद्वानों का संग करना तीर्थ है, आदि आदि आर्योद्देश्य रत्नमाला के अंदर महर्षि दयानंद जी तीर्थ को खोलने लगते हैं। 10-12 बात दे डाली ऋषि दयानंद जी। तो तीर्थ किसको कहते हैं? जिस करके ये जीवात्मा तर जाए उसको तीर्थ कहते हैं। इस स्थान विशेष पर आने से क्या हमारा तरण हो जाएगा? नहीं होगा। हम श्रद्धा बना लेते हैं, और जब श्रद्धा का अतिक्रमण होता है, सीमा पार होती है, तो कहीं ना कहीं अंधश्रद्धा प्रवेश कर जाती है। और जब अंधश्रद्धा प्रवेश कर जाती है तो वो हम जो लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, लक्ष्य तो प्राप्त नहीं होगा। व्यक्ति विशेष के प्रति हमारी श्रद्धा बनी, और इस श्रद्धा की दीवार बहुत पतली होती है, इस श्रद्धा की दीवार इतनी भुरभुरी होती है जैसे बालू की रेत की दीवार हो, कुछ कुछ ऐसी श्रद्धा की दीवार भी लगती है। एक व्यक्ति के प्रति हम बहुत श्रद्धावान हैं, और श्रद्धावान है तो उसी व्यक्ति का एक दिन हमने गलती देख ली, दोष देख लिया, दोष देख लिया। यदि समझदार व्यक्ति नहीं है तो श्रद्धा वो बालू के रेत की दीवार की तरह ढह जाएगी, खत्म हो जाएगी। हमने 20-30-50 गुण देखे थे, और 20-30-50 गुणों को देख करके उस व्यक्ति विशेष के प्रति श्रद्धा बनाई थी, श्रद्धा बनाई थी, लेकिन आज एक अवगुण देखा है। एक अवगुण देखते ही यदि समझदार व्यक्ति नहीं है तो श्रद्धा ढह जाती है। वो जो पतली सी दीवार बीच में थी वो पतली सी दीवार टूट जाएगी। इसलिए श्रद्धा, ऋषि दयानंद जी क्या कहते हैं, सत्य के ऊपर तौल करके श्रद्धा की जाए, ऐसे ही श्रद्धा नहीं की जाती, अन्यथा अंधश्रद्धा बनती है। जिस जिस व्यक्ति के अंदर ये यथार्थ रूप में श्रद्धा पैदा हुई है, चाहे श्रद्धा अपने देश की संस्कृति के प्रति हो, चाहे श्रद्धा हमारे देश के महापुरुषों के प्रति हो, चाहे श्रद्धा अपने शास्त्रों के प्रति हो, सिद्धांतों के प्रति हो, ऋषियों के प्रति हो, अथवा हमारे राम और कृष्ण के प्रति हो,
यदि वो श्रद्धा यथार्थ है तो यही श्रद्धा हमें बहुत कुछ दे सकती है, दे जाती है, और यदि ये श्रद्धा विपरीत होगी, अंधश्रद्धा में बदल जाएगी, निश्चित रूप से यही श्रद्धा कहीं न कहीं हमें गर्त में लेकर के चली जाएगी। स्वामी गंगेश्वरानंद जी हुए। स्वामी गंगेश्वरानंद जी ने किया क्या था? पौराणिक व्यक्ति थे, वेद के प्रति श्रद्धा थी। उस श्रद्धा को तौल करके देखें, यथार्थ में वो श्रद्धा थी या कुछ और था? वेद के प्रति श्रद्धा थी, और जब वेद के प्रति श्रद्धा थी तो चारों वेदों को एक जिल्द में बंधवा दिया। एक जिल्द में बंधवाने के बाद एक कपड़े में बांध दिया गया है, मोटी सी किताब हो गई, और उस मोटी सी किताब के लिए एक शीशे का बॉक्स बनवाया गया, थोड़ा सा जैसे गुम्बद बना देते हैं ऊपर ऐसा ही, और उसके ऊपर लिख दिया गया वेद मंदिर। वेद मंदिर, वो मोटी सी, चारों वेद जो एक जिल्द में बांध दिए थे उसके अंदर रख दिए गए हैं, और लोग उसको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। क्या वेद के प्रति श्रद्धा है? क्या इसी को श्रद्धा कहेंगे? एक जिल्द में वेद को बांध दिया है, लाल कपड़े में बांध करके रख दिया है, और आने जाने वाले फूल पत्ती चढ़ा देते हैं, और सिर झुका देते हैं, हाथ जोड़ देते हैं, लोग क्या कहते हैं? वेद के प्रति बड़ी श्रद्धा है। हमारी यहाँ भी एक वो बॉक्स सा रखा हुआ होता था पहले, उसमें तो ऋषि दयानंद जी के वो रखे देखे वेद तो शायद रखा होगा, कभी रखा होगा। अन्यत्र भी आर्य समाजों में भी देखने को मिलता है कि ऐसा बना करके वेद की पुस्तक रख दी और उसके बाहर लिख दिया वेद मंदिर। क्या ये वेदानुकूल आचरण है? क्या यही वेद के प्रति श्रद्धा है? वेद के प्रति श्रद्धा तो वो है कि जब वेद को पढ़ने लगता है, वेद के रहस्यों को जानने लगता है, और वेद के रहस्यों को दूसरे लोगों तक पहुंचाने लगता है, ये तो वास्तविक श्रद्धा है। लेकिन उस किताब को लेकर के हम सिर झुकाने लग जाते हैं, हाथ जोड़ने लग जाते हैं, इसको श्रद्धा नहीं कहते। शास्त्र के प्रति यही श्रद्धा? शायद करपात्री जी से या किसी और से शास्त्रार्थ चल रहा था, स्वामी समर्पणानंद बुद्धदेव विद्यालंकार। बुद्धदेव विद्यालंकार आर्य सन्यासी, एक बहुत बड़े विद्वान हुए, बहुत योग्य, वाणी के प्रखर वक्ता थे। शास्त्रार्थ चल रहा था तो कहने लगे कि तुम मूर्ति पूजा का खंडन करते हो, आर्य समाजी हो? हाँ, हम मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं। हम मूर्ति पूजा को सिद्धांत युक्त नहीं मानते, मूर्ति पूजा को गलत मानते हैं। कहने लगे कि ऋषि दयानंद जी का एक चित्र मंगवाया जाए। ऋषि दयानंद जी का चित्र आ गया। कहने लगे कि बुद्धदेव, यदि तू मूर्ति पूजा का खंडन करने वाला है तो ये ऋषि दयानंद जी का चित्र रख दिया है नीचे, और इसके ऊपर पैर से मसल करके दिखाओ, पैर से मसल करके दिखाओ। आज पौराणिक लोग कहते हैं हम बहुत श्रद्धावान हैं। कितने श्रद्धावान हैं? हमारे भगवानों का फोटो चप्पलों पर नहीं होना चाहिए, हमारे भगवानों का फोटो बीड़ी के बंडल के ऊपर नहीं होना चाहिए। श्रद्धावान हैं, लेकिन इन्हीं के भगवान जिस समय दीपावली होती है, दीपावली के दिन घर की सफाई की जाती है, सफाई की जाती है तो कूड़ा कचरा इकट्ठा किया जाता है, और उस कूड़े कचरे में कौन कौन होते हैं? भोलेनाथ भी उसी कूड़े कचरे में है, हनुमान जी को भी गदा सहित उसी कूड़े कचरे में पटक रखा है, गणेश जी को भी वहीं डाल दिया। श्रद्धावान हैं, श्रद्धावान हैं तो रखो ना। स्वामी समर्पणानंद जी के सामने द्वंद्व दिखा, उनके चेहरे से द्वंद्व दिख रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया? आगे आए और उस ऋषि दयानंद जी के चित्र के ऊपर पैर रखा, पैर रख करके थोड़ा मसल करके दिखाया कि देख, हम ऐसे नहीं हैं कि ये चित्र है, चित्र को चित्र ही मानते हैं, पैर रख दिया। लेकिन कहते हैं कि जब शास्त्रार्थ पूरा हुआ या एकांत में गए तो रोए हैं स्वामी समर्पणानंद जी, रोए।
क्यों रोए? हाय, मैंने ऋषि दयानंद जी के चित्र के ऊपर पैर रख दिया। बहुत योग्य व्यक्ति थे, योग्य विद्वान थे, लेकिन इतने अंश में तो हम कह सकते हैं कि यदि उनके अंदर ऐसी पीड़ा जगी कि मैंने चित्र के ऊपर पैर रख दिया, तो ये कहीं ना कहीं अंधश्रद्धा का द्योतक था। अंधश्रद्धा का द्योतक था कि वो तो कागज है तो पैर रख दिया, रख दिया, कोई बात नहीं, हम उस चीज को मानते ही नहीं। ऋषि दयानंद जी तो हमारे हृदय में बसते हैं, ऋषि दयानंद जी के सिद्धांत हमारे हृदय में बसते हैं, वो तो श्रद्धा है। लेकिन पैर रखने के बाद कहीं ना कहीं आंखों में आंसू आ जाते हैं और एक पश्चाताप निकलता है कि मैंने भूल कर दी, भूल कर दी, तो कहीं ना कहीं अंधश्रद्धा दिखाई देगी। श्रद्धया परियूढ़ा, हम श्रद्धा के ऊपर आरूढ़ हो जाएं, श्रद्धा ये बहुत दूर तक लेकर के जाने वाली है। और जिस व्यक्ति के श्रद्धा ये जितनी दृढ़ होगी, जितना दृढ़ साधन जिस व्यक्ति का होता है, कोई रथ हमने लिया, रथ लिया तो वो रथ मजबूत है, मजबूत रथ है तो दूर रास्ते तक लेकर के जाएगा। और वो रथ यदि कमजोर है, जर्जर हो चुका है, भले ही कुछ देर तक तो ढो लेवे, लेकिन आधे रास्ते में वो टूट सकता है, गिरा सकता है, दूर तक हमें नहीं लेके जा सकता। इसलिए वेद कहता है कि श्रद्धया परियूढ़ा, श्रद्धा जितनी दृढ़ होगी, जितनी दृढ़ होगी व्यक्ति उतना ही दूर तक अपने लक्ष्य तक जाएगा। महापुरुषों के प्रति श्रद्धा, लोग कहते हैं महर्षि दयानंद जी के प्रति श्रद्धावान होकर के एक वाक्य बोलते हैं, बड़े बड़े विद्वानों से भी सुना, भूतो न भविष्यति। ऋषि दयानंद जी के विषय में कहते हैं भूतो न भविष्यति, न हुआ है और न होगा। कौन नहीं हुआ है न होगा? ऋषि दयानंद जी जैसा न तो हुआ है न होगा। ये ऋषि दयानंद जी की प्रशंसा है या परमात्मा का अपमान है? हम कितनी श्रद्धा जोड़ लेते हैं व्यक्ति विशेष से, महापुरुष से, हमारे ऋषि दयानंद जी आदर्श हैं, लेकिन उनको आदर्श लेते हुए हम इतने अंधश्रद्धा में डूब जाएं और डूब करके परमात्मा तक का अपमान कर बैठें। भूतो न भविष्यति, ये परमात्मा के सामर्थ्य को चुनौती दे दी कि ये तो कर दिया है, न तू आगे कर सकता न पीछे हुआ होगा। लगता ऐसे है कि बहुत श्रद्धावान व्यक्ति है ये स्वामी दयानंद जी के प्रति। श्रद्धा नहीं है, ये अंधश्रद्धा है। परमात्मा का सामर्थ्य कैसा है, कैसे कैसे जीवात्मा होंगे, वो ऋषि दयानंद जी भी तो एक जीवात्मा ही थे जिन्होंने पुरुषार्थ करके यहां तक पहुंच गए। ऐसे ही और भी तो जीवात्मा हो सकते हैं जो वैसा पुरुषार्थ करेंगे, उनसे और अच्छा पुरुषार्थ कर सकते हैं। सुंदर शरीर मिलेगा, डील डॉल, विशेष बुद्धि मिलेगी, विशेष तर्क शक्ति मिलेगी, विशेष विद्या को प्राप्त कर लेगा। हो तो सकता है ऐसा अंधश्रद्धा में बह करके कह बैठते हैं भूतो न भविष्यति, इसको श्रद्धा नहीं कहते। महापुरुषों के प्रति जब हम श्रद्धा का अतिरेक करते हैं, कहीं ना कहीं सिद्धांत से दूर होते चले जाते हैं। ऋषि दयानंद जी श्रद्धा किसको कहते हैं? सत्य के ऊपर तौल करके जो हम स्वीकार करते हैं वो श्रद्धा है, और ये श्रद्धा हमें आगे लेकर के जाएगी। ईश्वर के प्रति श्रद्धा, जिस जिस व्यक्ति की ईश्वर के प्रति श्रद्धा जग जाती है, परमेश्वर के प्रति श्रद्धा जग जाती है, वो व्यक्ति जितनी जितनी श्रद्धा रखेगा अंदर, उतना उतना अंदर से निर्भय होता चला जाएगा। जितनी जितनी श्रद्धा परमेश्वर के प्रति है, उतना उतना व्यक्ति अंदर से निर्भय होता चला जाएगा, उसका डर दूर होता चला जाएगा। और जिस व्यक्ति की परमेश्वर के प्रति श्रद्धा कम है अथवा नितांत नहीं है, वो व्यक्ति उतना ही भयभीत मिलेगा, डरपोक मिलेगा, अधिक से अधिक इस संसार के ऊपर विश्वास करने वाला मिलेगा। परमात्मा के प्रति जब श्रद्धा जगती है, महर्षि दयानंद जी का जीवन चरित्र पढ़कर के देखिएगा, ऋषि दयानंद जी कितने श्रद्धावान थे। घर से निकल चुके थे,
घूम भटक रहे थे, योगियों से मिलकर के योगाभ्यास सीख रहे थे, आबू पर्वत पहुंचे। आबू में बहुत सारी प्राकृतिक गुफाएं हैं, कभी जाएंगे तो देखने को बहुत सारी गुफाएं मिलेंगी। और जिस गुफा में ऋषि दयानंद जी ने कई महीने उपासना की थी, वहां तपश्चरण किया था, वो गुफा भी देखने लायक है। हम साधारण व्यक्ति अपने कमरे से बाहर होकर के यदि जंगल में हमारा घर हो, कमरा हो, और कमरे के पीछे घास पे बैठ करके हमें उपासना करनी पड़े, तो एक तो आंख बड़ी मुश्किल से बंद होती है, बंद हो भी गई तो बीच में खोल करके देखते हैं कि सांप तो नहीं आ गया। घास में थोड़ी सी आवाज भी हो गई तो झट आंख खुलेगी, अरे कुछ आ तो नहीं गया। अब आप देखिएगा कि महर्षि दयानंद जी का उस गुफा में रहते हुए कई महीने उपासना की है, और लगभग 150-250 वर्ष पहले की स्थिति। आज तो वहां जनसंख्या ज्यादा हो गई होगी, आवागमन ज्यादा हो गया होगा। उस समय की कल्पना करके देखिएगा कि कैसा जंगल होता था, कैसी स्थिति होती थी, जंगली जानवर ज्यादा होते थे। ऐसी स्थिति में महर्षि दयानंद जी अकेले उस गुफा में बैठकर की उपासना करते हैं, ईश्वर के प्रति श्रद्धावान होते हैं। श्रद्धावान होते हैं ये नहीं कि सुरक्षा के भाव नहीं थे, सुरक्षा के भाव होते हैं, रहते हैं, लेकिन अंदर से भय नहीं होता, निर्भीक होते हैं। परमेश्वर के प्रति कितनी श्रद्धा थी, कितना अटूट विश्वास था, अंदर से भय चला गया। भय चला गया तो जब कह रहे हैं कि नर्मदा का स्रोत देखना था, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, ऐसा साहित्यिक वर्णन महर्षि दयानंद जी ने स्वयं अपनी लेखनी से किया कि वहां कुछ नहीं दिख रहा था, मदमस्त हाथियों के द्वारा पेड़ उखाड़े हुए दिख रहे थे, निर्जन था, कोई दिखाई नहीं दे रहा। और ऋषि दयानंद जी ऐसे निर्जन स्थान पर निर्भीक होकर के चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। कब? जब परमेश्वर के प्रति श्रद्धा थी, तब निर्भीक हो जाता है व्यक्ति। गुरु शिष्य चले जा रहे थे, चले जा रहे थे तो सायंकाल हो गया, पहले भी शायद बोला होगा। संध्या वेला आई, गुरु ने एक तरफ अपना थैला रख दिया और शिष्य को कहा कि भैया उपासना करेंगे, उपासना करेंगे। गुरु बैठ गए आसन लगा करके, आंख बंद की, थोड़ी ही देर में ध्यान में लीन हो गए, ध्यान में लीन हो गए, बाहर का आभास होना बंद हो गया। कुछ देर बाद जंगल में से एक शेर निकल करके आ गया। शिष्य ने जब शेर को देखा तो विचलित हो उठा और अपनी रक्षा प्रमुख समझी, गुरु की रक्षा नहीं समझी, और डर करके पेड़ के ऊपर जा चढ़ा, वृक्ष के ऊपर जाकर के चढ़ करके बैठ गया और नीचे देखता है कि शेर करता क्या है और गुरुजी क्या करते हैं। शेर आया, सूंघा है, निश्चेष्ट बैठे हुए थे, शेर ने आकर के सूंघा, मुंह को भी सूंघा, पीछे से देखा, एक परिक्रमा सी की, चक्कर लगाया और शेर चुपचाप चला गया। जंगल में शेर चुपचाप चला गया और विलुप्त हो गया, अदृश्य हुआ। शिष्य नीचे उतर करके आ गए, शिष्य नीचे उतर करके आया, डरा तो हुआ था। कुछ देर बाद गुरु की आंखें खुली, आंखें खुली, चल पड़े थैला उठा करके, दोनों रास्ते में चले जा रहे थे। अचानक रास्ते में एक मच्छर ने गुरु के कान में भिनभिनाना शुरू किया, कान में मच्छर ने आवाज लगाई, आवाज लगाई तो गुरु ने भी बड़े झटके से मच्छर को कान के पास से हटाते हुए कहा कि पगले, तूने तो डरा ही दिया था। मच्छर को डांट लगाते हुए कहा कि मेरे कान में बोल करके तूने डरा दिया था। शिष्य कहने लगे कि गुरुओं की महिमा भी अपरंपार है। कहने लगे कि गुरुदेव, जब शेर आपके पास आया था तब आपको भय नहीं लगा, और मच्छर को कह रहे हो कि डरा दिया था, भय लग रहा है।
गुरु ने बड़ा विशेष उपदेशात्मक व्यंग किया। कहने लगे कि भाई, जिस समय शेर मेरे पास आया था उस समय मैं अपने परमात्मा के पास था, और जब ये मच्छर मेरे पास आया है तो उस समय तेरे साथ हूं। तेरे साथ हूं जो मच्छर से भी भय लग रहा है, और उस समय शेर आया था तो परमात्मा के पास था। ईश्वर जो भी है, इस कथा से जो भी लेना चाहें, लेकिन ये अवश्य है कि जब व्यक्ति परमेश्वर के प्रति श्रद्धा रखने लगता है, उस व्यक्ति की उतनी उतनी निर्भयता बढ़ती चली जाती है, हृदय में निर्द्वंद होता चला जाता है। इसलिए वेद ने कहा है, श्रद्धया परियूढ़ा, हम श्रद्धा के ऊपर आरूढ़ हो गए। निश्चित रूप से श्रद्धा हमें बहुत दूर तक लेकर के जाएगी, और दूर तक कहाँ लेकर के जाएगी, हमारे लक्ष्य तक लेकर के चली जाएगी ये श्रद्धा। और यदि श्रद्धा हमारे हृदय में नहीं होगी, हम कहीं न कहीं इस संसार के चक्कर लगाते रह जाएंगे। इसलिए हम श्रद्धावान हों और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। आज इतना।